इस रेड कलर के वॉल के पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। हाय गाइस, स्टारस्ट्रक एक्टिंग स्कूल के मेरे इस चैनल पे मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वक्त से, पिछले कुछ 4-5 महीनों से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। ये वीडियोस ये क्लेम कर रहे हैं कि अगर आपके पास पुराना रेडियो या पुराना टेलीफोन है, जो डायलर फोन हुआ करते थे, अगर वो है तो उसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर उन लोगों के अकॉर्डिंग एक रेड कलर का वॉल्व मिलता है जिसकी कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी कीमत है। आज का मेरा ये ब्लॉग है वो इसी के ऊपर है कि इस रेड कलर के वॉल्व के पीछे की सच्चाई क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं वो कैसे हैं। पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। हुआ ये कि लगभग 4 महीने पहले मेरे एक मिलने वाले का फ़ोन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि क्या आपके पास पुराना रेडियो है, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पास एंटीक्स का कलेक्शन है और मेरा एंटीक्स के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट है और मेरे सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एंटीक्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। जब उसने मुझसे जानने की कोशिश की कि उस जो मेरे पास एक एंटीक फिलिप्स का रेडियो है उसके अंदर क्या मुझे वो एक रेड कलर का वॉल्व मिलेगा, अगर वो मिल जाएगा तो उसके लिए वो मुझे एक अच्छी खासी कीमत देने को तैयार था, क्योंकि उसके पास एक ऐसी पार्टी अवेलेबल थी जो उसे उस वॉल्व की अच्छी खासी कीमत दे रही थी। तो आइए मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ कि जो मेरे पास फिलिप्स का रेडियो है जो 1960 का है उसके अंदर क्या मुझे वो वॉल मिला या नहीं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। आइए आप खुद देख लीजिए। ये मैंने आपके सामने अभी मेरे फिलिप्स के रेडियो को बैक साइड खोला है और मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या आपको कोई रेड कलर का वॉल दिख रहा है। जैसे एक वॉल ये लगा हुआ है, ये कॉइल है, ये जो एक वॉल्व है ये भी सिल्वर कलर का है, ये भी सिल्वर का है, ये भी सिल्वर का है। इसके पीछे भी आप देख सकते हैं 2 और वॉल्व हैं और वो दोनों भी सिल्वर कलर के हैं। तो मतलब कोई भी रेड कलर का वॉल्व हमें नहीं मिला। तो मुझे उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। मैंने मेरे सोर्स से पता किया, जो कि मेरे फ्रेंड के फादर थे, उन्होंने रेडियो की शॉप 40 साल तक चलाई थी। तो मैंने जब उनसे ये बात पता करी कि क्या ऐसा रेड कलर का वॉल्व रेडियो में आता था, तो उन्होंने मुझे इस बात के लिए मना कर दिया कि ऐसा कोई वॉल्व नहीं आता था और ये भी कहा कि अगर आपके पास उस वॉल्व का नंबर है तो आप मुझे दे दें जिससे कि उसके बारे में पता करना आसान हो जाएगा। जब मैंने उनसे दोबारा फ़ोन करके मेरे दोस्त से जानने की कोशिश की कि क्या आपके पास उस वॉल्व का नंबर है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, उनके पास कोई नंबर नहीं है,
बट अगर वो रेड कलर का वॉल मिल जाता है तो उसकी वो अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। मैंने एक और मेरे सोर्स से पता किया जो जोधपुर में है और जो रेडियो का ही काम करते हैं, उनके पास एक अच्छा खासा वॉल्स का कलेक्शन है। मैंने उनसे भी ये जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा कोई रेड कलर का वॉल्व आता है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि ऐसा कोई वॉल्व नहीं आता है। उसके बाद मेरे एक और नोन का फ़ोन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि आपके पास जो डायलर फोन है क्या उसके अंदर रेड कलर का वॉल्व है, अगर है तो वो भी मुझे एक अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहता हूँ कि जो मेरे पास 1970s का डायलर फोन है जो कि रनिंग कंडीशन में है, जो मेरे ऑफिस में भी लगा रखा है, आइए मैं आपको वो खोल करके दिखाता हूँ कि क्या उसके अंदर मुझे वो रेड कलर का वॉल्व मिला या नहीं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि जो वीडियो उन्होंने मुझे भेजा था उसके अंदर क्या था और जो एक्चुअल में मेरे पास रनिंग कंडीशन में फ़ोन है उसके अंदर क्या है। ये मेरा टेलीफोन है, इसको मैंने खोल लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो वॉल्व दिखाया गया है वो बॉल यहाँ पे दिखाया गया है। ये दूसरा वाला फ़ोन है, इसमें भी आपको क्या कहीं कोई रेड कलर का वॉल्व नज़र आ रहा है। अब आप खुद देख लीजिए कि 1960 का जो मेरे पास रेडियो है फिलिप्स का और 1970s का जो मेरे पास टेलीफोन है, उन दोनों के अंदर मुझे रेड कलर का वॉल्व नहीं मिला। तो मेरा आज का जो व्लॉग बनाने का पर्पस वो यही था कि आप ऐसे झूठे गिमिक्स में ना आए और इस टाइम को क्रिएटिव यूज में लें या किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से आपको रिटर्न मिले, कम मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।